गुड मॉर्निंग एवरीवन, पर ये जो गुड मॉर्निंग है मेरे लिए इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग नहीं थी, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई और ये था वो। तो लेट मी टेल यू कि मेरे हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई। ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। मैं बहुत ध्यान देती हूँ हर चीज़ों का, बट आई डोंट नो हाउ। सुबह अनिका का टिफ़िन एंड ऑल तैयार कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तब मेरे हाथों पर चाय गिर गई एंड बहुत ज़्यादा जल रहा था, गरम गरम चाय थी। एंड फिर मैंने यहाँ पर कोलगेट लगा दिया। मुझे पता है कि वाइट कोलगेट लगाने से जो बर्निंग वाली जो गंदी सी चीज़ होती है वो थोड़ी सी कूल डाउन होती है। एंड ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया था इसे कूल डाउन होने में। नाउ इट्स टोटली फाइन। और अभी बज रहे बाय द वे 11। सुबह से मैंने अपना बहुत सारा काम ख़त्म किया। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, अपना एक वीडियो शेड्यूल किया, अभी अपलोड हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। 11 बज रहे और मेरा वीडियो पब्लिश हो गया है, आई वॉज ऑन टीवी वाला। उसके बाद मैंने सारे कमेंट के रिप्लाई किए हैं, बहुत सारा काम ख़त्म किया, बट बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो ये है मेरा आज के दिन की शुरुआत। शुरुआत थोड़ी ख़राब हुई है, बट आई एम श्योर आज का दिन मेरा रॉकिंग जाने वाला है। सो या कीप ऑन वॉचिंग। और अनिका स्कूल चली गई है, मिस्टर राज पापा जी ढाबा भी स्कूल ऑफिस चली गए। ओके, बाय 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 बाय। ओके, तो क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया 11 बज रहे हैं, नॉल अपडेट किया एंड वहाँ से मैं नहाने के लिए आ रही थी। ऑल सडन आई डोंट नो हाउ मेरे आँखों का जो लेंस था वो फट गया। ऑल सडन मुझे मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी। तो मैंने देखा और लेंस को निकाला तो लेंस सिर्फ आधा था और आधा लेंस नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की अपने आँखों से लेंस को निकालने की, नहीं निकल रहा था। देन मैंने राज को फ़ोन किया, राज को बुलाया घर पर। राज ने बहुत कोशिश की लेंस निकालने की, पूजा ने बहुत कोशिश की लेंस निकालने की, पर नहीं निकला। फिर मैंने अपने आई डॉक्टर को फ़ोन किया, ही सेड कि आप आ जाओ क्लिनिक, मैं निकाल दूंगा। एंड फिर मैं वहाँ पर गई, ऑलमोस्ट 12:30 हो रहा था। वहाँ से मैंने अपने राइट आइज़ का जो लेंस का जो टुकड़ा था बचा हुआ वो निकाला। उन्होंने तो जस्ट सेकेंड्स में निकाल दिया एंड देन आई गॉट रिलीफ। उससे पहले बहुत ज़्यादा ईचिंग एंड ऑल हो रही थी। जस्ट 1 मिनट। ओके एंड फिर आज का दिन बड़ा ही, मतलब आई डोंट नो, मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है। ओके उसके बाद अभी मैं खड़े खड़े गिर रही थी। मीन्स व्हाट, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाई? एंड राज वॉज वेरी स्केर्ड। वो भाग कर इन जस्ट 10-15 मिनट्स पर घर आ गए थे। एंड अभी भी हल्की सी इचिंग हो रही है मेरी आँखों में, बट बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मुझे आई ड्रॉप दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि ही सेट कि 5 दिन के लिए आपने राइट आँखों में, राइट आँख में क्या हो गया मुझे, राइट आँख में आई ड्रॉप का यूज़ करने के लिए बोला है। उसके बाद आके मैंने खाना वगैरह बनाया एंड अभी जस्ट खाना खाया। आई एम जस्ट होपिंग फॉर बेस्ट। मतलब कभी कभी होता है ऐसे, बट आई डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग, बट अगेन आई एम अ पॉजिटिव पर्सन एंड मैं नेगेटिव नहीं सोच सकती। तो आई थिंक अभी जो होगा अच्छा ही होगा, राइट? यस। ओके, तो अभी बज रहे हैं 2:30 एंड मुझे नहाना भी है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ तब मैं नहाने ही जा रही थी। एंड जब ऐसा हुआ तो मैं नहाई नहीं और पहले डॉक्टर के पास भागी। आने के बाद खाना पीना बनाया, खाना खा लिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर बाथ। ओके एंड ओह माय गॉड, समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। एंड बाय द वे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरी सांस कैसी है। शी इज़ वेरी फाइन नाउ एंड जस्ट द प्रॉब्लम कि वो छोटी छोटी बातों को भूल जाती है, जैसे खाना खाया कि नहीं वो भूल जाती है, दवाई खाई कि नहीं भूल जाती है, उन्हें पिछला सब कुछ याद है, जस्ट छोटी छोटी बातें। जैसे कि मैंने उन्हें सुबह नाश्ता दिया था, पर आज वो भूल गई थी कि मैंने नाश्ता दिया। देन मैंने उनको बताया कि देखो आपने पोहा खाया, पपीता खाया है, फिर भी उन्हें याद नहीं आया। फिर मैंने उन्हें थोड़ा एप्पल वगैरह और काट के दिया। एंड जब वो भूल जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि
मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो उनको मतलब वापस भूख भी लगने लगती है क्योंकि उनके माइंड में रहता है कि मैंने खाया ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ है। अदरवाइज उनकी हेल्थ अच्छी चल रही है इस समय, टच वुड। ओके, चलिए नहाती हूँ धोती हूँ एंड अनिका को भी लाने जाना है। यस, फाइनली आई गॉट रेडी एंड नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर। और एज यू नो गाइस, मेकअप मुझे बहुत हैप्पी बना देता है, तो मैंने बस थोड़ा सा कंसीलर लगाया और लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया जैसे कि आपने देखा, एंड नाउ आई एम फीलिंग मच 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 बेटर एंड नाउ आई एम रेडी टू रॉक रॉक रॉक। यस, तो चलिए अनिका आएगी तो अनिका के साथ वैसे ही मेरा मूड जो है काफ़ी चेंज हो जाएगा फॉर श्योर। ओके गाइस, तो अनिका यहाँ आ चुकी है, अनिका का खाना भी हो चुका है, अनिका के माथे पर लिपस्टिक भी लग चुकी है, जस्ट किडिंग। और अभी अभी मैंने नारियल पानी एंजॉय किया है एंड मेरी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस मेरे साथ आज दो एक्सीडेंट हो गए थे। एक हाथ का जो चाय से चल गया था, और एक आँख का। यस, शी नोज एवरीथिंग। मैंने उसे बताया आने के बाद कि मेरे साथ आँखों में ऐसे ऐसे हुआ था एंड वो बेचारी बहुत मतलब मेरे लिए परेशान हो गई थी, एंड चाय का भी उसे पता है, वो जाने से पहले ही ऐसे हुआ था। एंड मेरी तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक है, बट मेरे पति देव ने मेरे लिए मलाई वाला नारियल पानी मंगवाया है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने उन्हें बोला कि तबीयत ठीक है भाई, बस एक्सीडेंट्स हो गए, तो ही सेड कि नहीं अभी पी लो, मैंने मंगवा लिया तुम्हारे लिए। मैं आपको आपकी स्टोरी बताती हूँ। उनको पता है ये स्टोरी, उनको पता है बेबी। ऐसे कैसे? मैंने पहले ही बता दी। अच्छा, ओके, चलो फिर बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मैं सो गई थी आँखों में दवाई डालकर, एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। मेरी आँख काफ़ी दुख रही थी, आई डोंट नो व्हाई, अनिका को स्कूल से लाने के बाद आई डोंट नो बहुत दुख रही थी, तो मैंने दवाई वगैरह डाली और मैं सो गई, तो अनिका भी सो गई। और अभी मैं उठी हूँ 5:30 बजे और मेरी मम्मी लॉ और पूजा जो है दोनों वॉक के लिए गए हैं, तो यस, फीलिंग मच बेटर। एंड थैंक यू सो मच जो कि आपने मेरा जो कल का व्लॉग है आई वॉज ऑन TV उस पर बहुत ही प्यारे 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 कमेंट्स की है, मैंने ईच एंड एवरी कमेंट को पढ़ा एंड इट रियली 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 अमेजिंग।
थोड़ा सा, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा है। मैंने पेंसिल बॉक्स चेंज किया। वेरी गुड, यू आर अ बिग गर्ल नाउ। ओके, तो आज मैंने डिनर में बनाया था करेला, जो भरा हुआ करेला जिसे मैंने आपको दिखाया, राजमा, दाल, चावल। एंड अभी हम लोग का डिनर बाकी है, मतलब मेरा, मेरी मम इन लॉ का और हस्बैंड का, और मिस अनिका ने खा लिया है। एंड मुझे जब वो खा रही थी ना, तब उसने बोला कि राजमा बहुत अच्छा बना है, बट आफ्टर दैट शी सेड नहीं, इतना अच्छा नहीं लगा। तो या दैट्स अनिका। एंड अनिका ने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ बनाए हैं। यहाँ राज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाय राज, ओके। और ये मॉम, क्या हो गया मुझे, ये मॉम है, ये डॉगी और कैट समथिंग कुछ है, और ये और कुछ है, और ये और कुछ है। तो वो ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है, बट आई लव्ड इट।